हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेसन फ्राइड की बुक रिवर्क की समरी। क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप अभी बिजनेस में ही हैं और आपको अपने बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है? क्या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है? तो आपको अपने सपने पूरे करने के लिए यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। रिवर्क बुक जेसन फ्राइड बेस कैंप नाम की कंपनी के मालिक हैं। उनके द्वारा लिखी यह एक बहुत ही यूजफुल बुक है, जिसमें लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस शुरू करने के अनेक टिप्स और अपने बिजनेस में आई परेशानियों के सलूशन के रूप में अच्छे और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं, जो उन्हें बेस कैंप के बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट हैंडल करते वक्त एक्सपीरियंस हुए थे। फेमस बिजनेस मैन मार्क क्यूब ने एक सर्वे में तो यह बात तक कही थी कि वो बिजनेस के लिए इस बुक को चूज करेंगे एक MBA पसंद की तुलना में, जिससे ये पता चलता है कि ये बुक कितनी इफेक्टिव है। लेखक का कहना है कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर फंडिंग पर ज्यादा ध्यान न देकर अपना बिजनेस शुरू करें। इस बुक की मुख्य बातों को लेखक ने चार प्रिंसिपल्स में बांटा है। हर एक प्रिंसिपल में इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताए हैं, जिन्हें अच्छे से समझाया गया है। 12 चैप्टर्स की इस बुक में बिजनेस शुरू करने की महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में समराइज करके बताया गया है। बिजनेस शुरू करने के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स। एक, अपनी खुद की जरूरत को ध्यान में रखकर बिजनेस शुरू करें। 2, स्टार्टअप से बेहतर है अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। 3, बिजनेस के एपिसेंटर मुख्य उद्देश्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और बाद में लग्जरी जरूरतों को पूरा करें। 4, बिजनेस से खुद को जोड़ें, अपनी पर्सनैलिटी को प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के जरिए यूनिक बनाएं। इन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट स्टेप्स के द्वारा समझा जा सकता है। 1, दूसरों के प्रोडक्ट कॉपी करने से बेहतर है अपने खुद के प्रोडक्ट बनाएं और लॉन्च करें, जैसे बिल बाउमन ने नाइक शूज बनाए और लॉन्च किए जो काफी फेमस हैं। अपने इस बिजनेस में बिल कितने बिलियंस के मालिक बन गए, तो शुरुआत भले छोटे से करें, यह बात तय है कि बिजनेस में आगे चलकर तरक्की मिलती है। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए महंगी चीजों, ज्यादा पैसे, महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं होती, बस शुरुआत की जरूरत होती है अपने खुद के दम पर बिजनेस शुरू करने की। 2, स्टार्टअप की बजाय अपना बिजनेस शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स से ही बिजनेस में सफलता पाई जा सकती है, जैसे राधा कृष्णा दिमानी ने डीमार्ट की शुरुआत की और आज की तारीख में डीमार्ट के 200 से ज्यादा स्टोर्स हैं। ओवाई मुंबई से एक छोटी सी शुरुआत करके राधा कृष्णा दमन आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए हैं। बिजनेस के लिए महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती, बस कस्टमर की नीड को समझें और उनकी हेल्प करें, खुद को बिजनेसमैन के रूप में मानें और उसी तरह वर्क करें। लग्जरी चीजों की बजाय जरूरी चीजों पर ध्यान दें और बिजनेस में लगाएं। शुरू अपने बिजनेस की पब्लिसिटी कम लोगों से करें, उनकी राय लें, फिर बड़े पैमाने की तरफ जाएं। 3, बिजनेस शुरू करने के लिए फोकस एपिसेंटर पर करें, मतलब बिजनेस के लिए क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दें कि किसके ना होने से नुकसान होगा, फिर उस पर ध्यान देकर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। जैसे पिज्जा हट वाले अपने पिज्जा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, किसी रेस्टोरेंट में फूड अच्छा होगा तो शुरुआत छोटी ही हो, वह रेस्टोरेंट लोगों के बीच फेमस हो जाएगा। पिज्जा हट का एपिसेंटर है पिज्जा, स्टाइलिश रेस्टोरेंट से ज्यादा जरूरी है फूड का टेस्ट। अपना समय और पैसा क्वालिटी और नेसेसिटी पर ज्यादा खर्च करें और लग्जरी चीजों पर बाद में खर्चा करें। एग्जाम्पल के रूप में Amazon ने पहले प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया और ऐसी जरूरतों पर ध्यान दिया जो हमेशा जरूरी होंगी, जैसे हाई क्वालिटी, मिनिमम प्राइस, फास्ट शिपिंग। ब्रांड अच्छा होगा, कीमत लोगों की पहुंच के अंदर होगी और प्रोडक्ट जल्दी लोगों तक पहुंचेगा, तो बिजनेस खुद ब खुद तरक्की करेगा। Amazon आज की डेट में काफी फेमस है और लोगों में लोकप्रिय भी है, जिसका मुनाफा अरबों से भी अधिक होता है। 4, प्रोडक्ट से खुद को जोड़ें। जैसे Zappos में एम्प्लॉइज कस्टमर से खुद बात करते हैं, उनकी जरूरत पूछते हैं, फ्रेंडली तरीके से कस्टमर को हैंडल करते हैं, तभी तो लोग Zappos से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। प्रोडक्ट,
कस्टमर सर्विस बेहतर होगी तो कंपनी अपनी पर्सनैलिटी को बिजनेस प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत करेगा, इससे बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल प्रोडक्ट जो अपनी यूनिकनेस के लिए फेमस है, वे कंपटीशन से ज्यादा खुद का ग्रोथ करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को प्रोडक्ट से जोड़ते हैं, तभी तो अपने बिजनेस में कामयाब हैं। स्टीव जॉब्स ने GHZ प्रोसेसर पर ध्यान न देकर अपना आईपॉड बनाया था जिसमें 1000 सॉन्ग्स सेव होते हैं, जो इतना फेमस हो गया। इस तरह आईपॉड ने दूसरों की अपेक्षा अपनी अलग पहचान बनाई। तो लेसन यह है कि दूसरे की कॉपी ना करके अपने खुद के प्रोडक्ट बनाएं और लॉन्च करें। बिजनेस में एम्प्लॉयज इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनसे फ्रेंडली तरीके से काम कराएं। बिजनेस में पहले कम लोगों को जोड़ें, थोड़े से शुरू करें और अपनी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को अच्छा बनाएं और प्रोडक्ट को खुद से कनेक्ट करें। लेखक ने इस बुक में बिजनेस से जुड़ी बहुत ही फायदेमंद बातें बताई हैं, जिसे 12 चैप्टर्स की इस बुक की महत्वपूर्ण बातों को समरी के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन रीवर्क। बिजनेस शुरू करने के लिए यह किताब कितनी सहायक और महत्वपूर्ण है। यह किताब बिजनेस शुरू करने और बिजनेस की सफलता में कितनी इम्पोर्टेंट और यूजफुल है, इसी बात से शुरुआत की गई है। दूसरा चैप्टर, द न्यू रियलिटी रीवर्क। दूसरे चैप्टर में बिजनेस को किस रूप से शुरू करना है, उसकी ओर ध्यान दिया गया है। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए वर्कहोलिज्म बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिजनेस को गहराई से समझने की जरूरत है। दुनिया की चिंता छोड़ अपने खुद के आइडियाज और प्लान को ग्रो करें। गलतियों से सीखते हुए असफलता के बारे में बिना सोचे बस अपने बिजनेस पर ध्यान दें। तीसरा चैप्टर, गुरी वर्क। तीसरे चैप्टर में स्टार्टअप की बजाय बिजनेस शुरू करने पर जोर दिया गया है। बिना ये सोचे कि बिजनेस में बहुत ज्यादा खर्चा होगा, यह नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसे होगा, इस तरह के प्रश्नों को बिना सोचे अपने खुद के दम पर जो काम करना है करें। खुद से इस बिजनेस को कैसे करें ये सोच करके दिखाएं। खुद के प्रश्नों को हल करें और अपनी खुद की एक जगह बनाएं। आपके अंदर सोच होनी चाहिए बिजनेस करना है और करके दिखाएं। चौथा चैप्टर, प्रोग्रेस रीवर्क। चौथे चैप्टर में बिजनेस के लिए मेन टूल या पॉइंट पर ध्यान दें, इस बात को बताया गया है। बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए से ज्यादा हमारे पास क्या है जिससे बिजनेस शुरू कर सकेंगे, और जिसके ना होने पर बिजनेस पर असर होगा उस पर ध्यान देना है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है। क्या ऐसा है जो बदलेगा नहीं, हमेशा लोगों के साथ रहेगा, उस पर ध्यान देकर खुद प्रोडक्ट लॉन्च करें, प्रोडक्ट बेचें, प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान देकर बिजनेस में पूरी लगन के साथ लग जाएं। पांचवा चैप्टर, प्रोडक्टिविटी रीवर्क। इस चैप्टर में बिजनेस से जुड़े सवालों को खुद ही सॉल्व करें, इस बात पर जोर दिया गया है। बिजनेस शुरू करने से पहले खुद से सवाल करें, जैसे क्या यह बिजनेस यूजफुल रहेगा, क्या क्या परेशानियों को सॉल्व कर पाएंगे, क्यों ये बिजनेस करें, क्या बिजनेस कुछ चेंज लाएगा, क्या ये बिजनेस वैल्यू टू वर्थ है, क्या यह बिजनेस करने का कोई आसान तरीका है, वाकई में यह बिजनेस क्या यूजफुल है और ग्रोथ करेगा। गहराई से सोच समझकर बिजनेस शुरू करें। लंबी लंबी मीटिंग को अवॉइड करें, छोटे छोटे टुकड़ों में मीटिंग और कार्य करें। बिना समय बर्बाद किए काम करें, जो होता है वह करें। आराम की नींद ले, बहुत ज्यादा काम करने से बेहतर है थोड़ा करें पर अच्छा करें। जो है अपने पास उसी से शुरू करें, बड़े बड़े एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। छठा चैप्टर, कंपेटिटर्स रीवर्क। छठे चैप्टर में सेल्फ वर्क की इम्पोर्टेंस बताई गई है। कंपटीशन के चक्कर में ना पड़कर अपनी खुद की पहचान और कार्य पर ध्यान देना अच्छा है। कौन क्या करता है, कैसे करता है, उससे ज्यादा हम क्या करते हैं, कैसे करना है, कुछ हटकर कैसे करें, इस पर ध्यान देना बेहतर है। खुद अपने बिजनेस के लिए स्टैंड ले, भले कम कार्य करें मगर दूसरों से अलग करने की कोशिश करें। अपनी खुद की काबिलियत पर अलग कार्य करें। अपने खुद के प्रोडक्ट से जुड़े, कॉपी पेस्ट से ज्यादा अपनी ओरिजिनलिटी को अपने बिजनेस से जोड़े। सातवां चैप्टर, एवोल्यूशन रीवर्क। सातवें चैप्टर में बताया गया है कि बिजनेस के लिए दी गई
लोगों की राय चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव एक्सेप्ट करें। कस्टमर को ना कहना सीखें और बताएं अपने ना कहने के कारण को। बिजनेस में फीलिंग की जगह प्रायोरिटी को देखकर काम करें। जल्दी सफलता नहीं पाई जा सकती, खुद को समय दें। धीरे धीरे ही कार्य या प्रोडक्ट का प्रॉपर रिजल्ट प्राप्त होता है। हर बात के लिए तैयार रहें। जो बात सही लगे उस पर ध्यान दें, जो ना लगे फॉरगेट करें। आठवां चैप्टर, प्रमोशन रीवर्क। आठवें चैप्टर में बिजनेस की रियलिटी को इम्पोर्टेंस दी गई है। बिजनेस से खुद को जोड़ें, लोगों से बात करें, प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो या एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग खुद करें। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ग्रोथ खुद होगी। पॉपुलैरिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को बिजनेस की रियलिटी गुड प्रोडक्टिविटी वर्क से जोड़ना। इस बात को समझें कि एकदम से सफलता नहीं मिलती, समय लगता है सफल होने में। नौवां चैप्टर, हायर एंड रीवर्क। नौवें चैप्टर में बताया गया है कि बिजनेस के एम्प्लॉइज के रूप में खुद को जोड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले खुद की जरूरत को ध्यान में रखकर एक एम्प्लॉय की तरह सोचें और काम करें, फिर एम्प्लॉयज के रिज्यूम की तुलना में उसके कवर लेटर को ज्यादा इम्पोर्टेंट दें। पहले थोड़े एम्प्लॉयज ही रखें, उनको समझें और एक टीम की तरह काम करें। दसवां चैप्टर, डैमेज कंट्रोल वर्क। दसवें चैप्टर में बिजनेस के दौरान मिलने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पांस को कैसे हैंडल करें इस बात पर ध्यान दिया गया है। बिजनेस से रिलेटेड फॉल्ट्स मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। अपोलोजाइज के लिए रेडी रहें, सॉरी बोलने में हिचके नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, कुछ प्रॉब्लम हो तो एक्सप्लेन करें, मैटर को आराम से हल करें बिना पैनिक हुए, अपना आपा न खोएं। बिजनेस में कंप्लेंट्स मिस्टेक्स तारीफ फॉल्ट्स इत्यादि होते ही है। बिजनेस से जुड़ी बातों को सोच समझ कर आराम से हैंडल करें। ग्यारहवां चैप्टर, कल्चर रीवर्क। 11वें चैप्टर में अपने एम्प्लॉय से किस तरह पेश आए उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि एम्प्लॉयज भी ह्यूमन हैं और बिजनेस के हम साथी भी। अपने एम्प्लॉयज की नीड को समझें, खुद बॉस ना बनकर उनको उनका कल्चर ना समझाएं, बल्कि फ्रेंडली बिहेव करें। अपने एम्प्लॉयज की जरूरत को समझें, साथ मिलकर काम करना है ना कि रॉब जमा कर काम करना है। फोर लेटर्स नीड मस्ट कांट इजी पर पॉजिटिव रूप से ध्यान देना है। 12वां चैप्टर, कंफ्यूजन रीवर्क। इस चैप्टर में बिजनेस के इंस्पिरेशन रूप को महत्व दिया गया है। एक इंस्पिरेशन के रूप में बिजनेस को बिना देर किए शुरू करें। बिजनेस को अपने ओरिजिनल रूप में स्थापित करें। दिखावे से ज्यादा खुद के दम पर सफलता प्राप्त करें। जेसन फ्राई के वर्ड्स, When you don't know what you believe, everything becomes an argument. Everything is debatable. But when you stand for something, decisions are oblivious. इस बुक की इम्पोर्टेंट बातों को इस बुक समरी से समझा जा सकता है और बिजनेस शुरू करने के लिए इस बुक को जरूर पढ़ें। बिजनेस से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है ये बुक, रीवर्क बुक समरी। तो दोस्तों, इस बुक समरी में बिजनेस से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातों को सिंपल रूप से बताया गया है। बस आपको बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक फॉलो करना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।